Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the types of files in MS-DOS. अब कितनी कौन सी files, कितने types की files होती है जो MS-DOS में use की जाती है. Paper में पूछ लिया जाता है ये questions. What are the different types of files in MS-DOS? Already मैंने आपको video tutorials करवा दिए हैं, तो ये मेरा next video tutorial है. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी हमारी types of files होती है MS-DOS में. जैसा कि आप screen के ऊपर देख सकते हो, तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, फर्स्ट इज प्रोग्राम फाइल. फर्स्ट है हमारी प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है. सेकंड है स्पेशलाइज्ड डाटा फाइल्स, ठीक है, स्पेशलाइज्ड डाटा फाइल्स. थर्ड है बैच फाइल और बैच प्रोग्राम्स, उसको बैच फाइल भी बोला जाता है और बैच प्रोग्राम्स भी बोला जाता है, ठीक है. टेक्स्ट फाइल्स और टेक्स्ट फाइल्स होती है. और लास्ट है हमारी सिस्टम फाइल्स. कितनी सिस्टम फाइल्स, सिर्फ फाइव टाइप्स की होती है हमारे पास. देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फाइल्स इन MS-DOS. अब मैं इनके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ. जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, प्रोग्राम फाइल्स क्या होता है. इट कंटेन्स प्रोग्राम्स दैट आर एग्जीक्यूटेड और रन बाय योर कंप्यूटर. ये प्रोग्राम्स फाइल्स को कंटेन करती है, जो कि हमारा कंप्यूटर क्या करता है, इसको रन करता है, ठीक है. जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा और जो मेरी प्रोग्राम फाइल्स होगी उसको क्या करेगा, वो रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा मेरा कंप्यूटर, ठीक है. तो उसको बोला जाता है प्रोग्राम फाइल्स. हमारे पास थ्री टाइप्स की प्रोग्राम फाइल्स होती है MS-DOS में. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्राम फाइल्स इन MS-DOS. कौन कौन सी होती है, एक डॉट कॉम करके होगी, एक डॉट बैट होगी और एक डॉट ईएक्सई फाइल होगी. डॉट ईएक्सई का मतलब होता है बेटा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की एक्सटेंशन होती है. जब भी कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होगी तो आपने सोच लेना डॉट ईएक्सई लगा होगा तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, ठीक है. डॉट कॉम और डॉट बैट. अब जब भी आप देखोगे किसी के साथ एक्सटेंशन लगी होगी लास्ट में डॉट कॉम डॉट बैट या डॉट ईएक्सई फाइल, तो सोच लेना वो प्रोग्राम फाइल्स है, वो MS-DOS की प्रोग्राम फाइल्स हैं, ठीक है. और इन जो भी बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे प्रोग्राम फाइल्स के, वो जो भी MS-DOS को जो रन करने के लिए जो एक्सटर्नल कमांड्स होती है, जैसे कि आप देख सकते हो बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम फाइल्स आर द फाइल्स नीडेड बाय MS-DOS टू रन द एक्सटर्नल कमांड्स, ठीक है. जो भी फाइल्स की जरूरत पड़ती है MS-DOS को उन रन करने के लिए एक्सटर्नल कमांड्स के लिए, ठीक है. जो कौन कौन सी थे, डॉट कॉम डॉट बैट और ईएक्सई फाइल्स, ठीक है, ये याद रखना. अब ऐसे ही स्पेशलाइज्ड डाटा फाइल्स होती है हमारे पास, ठीक है. स्पेशलाइज्ड डाटा फाइल्स हमारी वो फाइल्स होती है जिनको जो कि प्रोड्यूस होती है एप्लीकेशन से. किससे, एप्लीकेशन से या प्रोग्राम से. एप्लीकेशन और प्रोग्राम की हेल्प से जो फाइल आप क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो, मतलब क्रिएट करते हो, ठीक है, उसे बोला जाता है स्पेशलाइज्ड डाटा फाइल्स. ये जो फाइल्स होती है हमारी, ठीक है, ये हमारे जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं उनके लिए मीनिंगलेस दिखती है. वो मीनिंगलेस देखते हैं उस फाइल को, बोलते हैं इसका क्या यूज है यार, ये तो बकवास है, बेकार है ये. तो नॉर्मल यूजर ये समझेगा उस चीज को कि ये मीनिंगलेस है ये फाइल, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसी फाइल्स, ठीक है. जब आप कंपाइल करते हो प्रोग्राम सी लैंग्वेज में, कब कहां पे, जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो जो फाइल होगी वो हमारी क्या होगी, एक्सटेंशन के साथ यूज होती है. कौन सी एक्सटेंशन होती है, डॉट ओबीजे, डॉट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मतलब ओबी ऑब्जेक्ट फाइल को ओबीजे से डिनोट करते हैं. तो जब भी एक्सटेंशन यूज, ऐसे नहीं करते हम पूरा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जो भी एक्सटेंशन होते हैं उनको यूज करते हैं, ठीक है. तो कन्फ्यूज मत होना, ऑब्जेक्ट है ये, तो डॉट ओबीजी, ओबीजे से आपको जो भी फाइल एक्सटेंशन दिखेगी वो क्रिएट हो जाती है हमारी. तो इस तरह से हम ये जो फाइल्स होती है डॉट ईएक्सई फाइल, इनको जनरेशन के लिए, जनरेट करने के लिए, फाइल्स को जनरेट करने के लिए हम ईएक्सई फाइल का यूज करते हैं. मतलब आपने इसको ऐसे नहीं लेना है कि यार ये मीनिंगलेस है, कोई नॉर्मल यूजर है, मैं नॉर्मल यूजर होगी तो मैं यही सोचूंगी कि ये तो मीनिंगलेस फाइल है मेरी, तो ये मीनिंगलेस फाइल नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है, ठीक है. जब भी हमने अपने सी प्रोग्राम्स को कंपाइल करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, उस टाइम हमें डॉट ओबीजे की जरूरत पड़ती है क्रिएट करने के लिए, ठीक है. तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है फाइल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है. डॉट ओबीजे और डॉट ईएक्सई, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
नॉर्मल यूजर समझता है कि मीनिंगलेस है, बट मीनिंगलेस नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास थर्ड है टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल्स क्या होती है, मेनली जब आप यूज करते हो फाइल एमएस डॉस, जो बेस्ड सिस्टम है आपका एमएस डॉस में, जब भी आपने कोई भी फाइल है उसको यूज करना, उस टाइम जो फाइल्स होती है वो हमारी अनफॉर्मेटेड टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन देती है। अनफॉर्मेटेड होता है मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, अनफॉर्मेटेड होता है, ना ही प्रॉपर डिजाइन किया होता है, ना प्रॉपर फॉन्ट होता है, ना कुछ ना काम, मतलब होती है टेक्स्ट फाइल ऐसी ही होती है। इसमें जरूरत नहीं पड़ती हमें डिजाइन करने की, पेंट करने की, फॉन्ट को चेंज करने की, लेआउट को चेंज करने की। नॉर्मली हमें कमांड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कमांड देनी होती है हमें मेनली बस। और इसमें ये फाइल्स होती है स्टोर करती है ASCII फॉर्मेट को, ASCII फॉर्मेट होता है ये, आनी चाहिए आपको इसकी फुल फॉर्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, और फिर उसके बाद फॉर लगा देना है सेंस बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन आई से और आई से इंटरचेंज। जिस टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम किस फॉर्मेट का यूज करते हैं, ASCII फॉर्मेट को, हमेशा याद रखना। जो भी कमांड्स देते हैं हम टेक्स्ट की फॉर्म में देते हैं, और टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ASCII टेक्स्ट की ही जरूरत पड़ती है, जो हमारा ASCII टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। अगर वो नहीं होगा तो हमारी कमांड इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, हमारी टेक्स्ट फाइल्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो एक्सटेंशन क्या होती है इन फाइल्स की, याद रखना है। टेक्स्ट फाइल है तो .txt फाइल हो गया, ठीक है, शॉर्टकट शॉर्ट रखते हैं हम, जो भी हमारी एक्सटेंशन होती है तो .txt, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम फाइल्स। अब सिस्टम फाइल्स कौन सी फाइल्स होती है, जो कि हमारी जो फंक्शनिंग होती है सिस्टम की, उसके लिए जरूरी होती है सिस्टम फाइल। सिस्टम फाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम फाइल हमेशा कोर, जो गहरी इंफॉर्मेशन होती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सिस्टम फाइल में होती है, ठीक है। अब हार्डवेयर डिवाइस वर्क करते हैं हमारे प्रॉपरली, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्पेशल सिस्टम फाइल होती है हमारे पास config.sys, उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। config.sys हमारी क्या होती है, एक स्पेशल सिस्टम फाइल होती है एमएस डॉस की, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हमारी, हार्डवेयर डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन हमारी सही है बढ़िया है क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारा config.sys है वो होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसलिए हमारा सिस्टम फाइल होना मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है सिस्टम फाइल का होना, ठीक है। ऐसे जितनी भी ये 5 फाइल्स है बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे एमएस डॉस के लिए। नेक्स्ट है बैच फाइल और बैच प्रोग्राम्स। अब आपको दिख रहा होगा बैच फाइल, बैचेस होते हैं ना, क्लास बैचेस बनते हैं, जैसे 15 स्टूडेंट का इतना ये बैच है, 20 का ये बैचेस है, उसी तरह से हमारा बैच फाइल का भी बनता है कंप्यूटर में, प्रोग्राम्स का भी बैच बनता है। तो हमारी टाइप्स ऑफ फाइल में आता है लास्ट बैच फाइल और बैच प्रोग्राम्स। अब बैच फाइल्स हमारी क्रिएट होती है जब हमारा जो यूजर्स होता है वो काम करता है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बैच फाइल्स वो फाइल्स होती है जो कि ऑटोमेट करती है यूजर की वर्किंग को, ठीक है। बैच फाइल्स हमारी प्रोग्राम्स फाइल ही होती है जो कि एमएस डॉस में हम क्या करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, और वो डॉस कमांड्स होती है उनको कंटेन करती है। डॉस कमांड्स मैंने बोल दिया, config.sys ये सिस्टम फाइल है हमारी, ठीक है। तो इसी तरह से इनका यूज करके आप जैसे सेट करनी डेट टाइम, तो आप कर सकते हो, उनके लिए कमांड्स है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। जो जैसे कि आपके पास है कोई बैच फाइल है वो रन कर रही है, तो जितना भी वो जो कमांड होगी उसका सिक्वेंस होगा वो ऑलरेडी अपने आप ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब आपने कोई फाइल को रन करना तो जितनी भी उसके अंदर छोटी छोटी कमांड्स है सब डायरेक्टरी बस खुद ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे कभी भी पूछे कि बैच फाइल की जो मोस्ट पॉपुलर बैच फाइल कौन सी होती है, तो आपने बोलना है ऑटो exec.batch file, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल होती है, ठीक है, ऑटो exec.batch file, और ये चीजें याद रखोगे तो पूरे मार्क्स आएंगे आपको। आप मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हो और अच्छा गुड स्कोर
कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।